जब इस तरह से देवहूति शोक कर रही थी अपने विषय में, तब कर्दम जी उससे इस तरह बोले। अपने विषय में जो शोक कर रही थी देवहूति, वास्तव में वह इसके योग्य नहीं थी जिसका पुत्र भगवान बनने वाले हैं और पति इतना बड़ा वैष्णव, पिता महान राजर्षि मनु महाराज, परम भागवत। वह स्त्री इस तरह से अपने विषय में खेद करे, शोक करे, ठीक बात नहीं थी। परंतु हम सबको सीखना चाहिए कि संसार में सबसे उत्कृष्ट भोग मिलने के बाद भी, इतने महान पति मिलने के बाद भी, पिता मिलने के बाद भी, देवहूति के जीवन में शोक ही छाया हुआ, अपने को सुखी अनुभव नहीं कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है। तो जब इतनी महान महिला अपने विषय में इतना शोक कर रही है, तो हम जैसे कीड़ों के पास है ही क्या इस संसार में, जो हम अपने को यह अनुभव करें कि हाँ हम ठीक हैं सब तरह से, क्या ठीक हैं? कोई समाचार पूछता है किसी से, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। क्या ओके ओके हो? कुछ नहीं, ओके नहीं, सब गड़बड़ी है वास्तव में। आज कटक से भक्त आए तो मैं पूछा कि सब ठीक है ना, तो कहते हैं कि क्या ठीक है, किस माने में आप पूछ रहे हैं ठीक है? क्या ठीक है? यह ठीक कुछ भी नहीं है। एक तो जड़ शरीर में जीव पड़ा हुआ है और दुख है जन्म लेने का, मरने का, सबका। और भगवान में यदि सहज प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है। ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रीति है, विषय भोग से वैराग्य है, तो वो ठीक है, लेकिन अभी बीमार चल रहा है। और बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं है तो वो तो डेड हो गए, खत्म हो गए, तो मरा हुआ है। तो अपने को बीमारी की दशा से ऊपर उठाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग कुछ जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो वो तो जी रहे हैं, अच्छा से जी रहे हैं। लेकिन इसको और रिफाइन करेंगे, और ज्यादा करेंगे, तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। और जो बिल्कुल नहीं करते, वो तो खत्म है, केवल सांस भर चल रही है। जीवन अपि मृत्यु ही सह, शास्त्र में इस प्रकार की बातें बहुत बार कही गई है। तो अपने विषय में देवहूति इस तरह शोक कर रही थी, तब कर्दम जी उस परम सुंदर स्वभाव वाली अपनी पत्नी से कहते हैं, मा खिदो राजपुत्रित्वम आत्मानम प्रत्यनिंदिते भगवान स्तेक्षर गर्भम अधुरासम प्रपत्स्यते। प्रिय हे अनिंदिते, तुम्हारा जीवन बिल्कुल निष्कलंक रहा है, तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया है, तुम अपने विषय में क्यों इतनी चिंता कर रही हो? ये तुमने जो भोग भोगा है, यह तुम्हारे लिए निंदा की बात नहीं है, अपने धर्म में रह कर कहीं तुमने भोग भोगा है, तो तुम अनिंदिता हो। हे राजपुत्री, हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में शोक मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें भक्ति देने के लिए साक्षात भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे। यह इतना बड़ा आशीर्वाद है, तुम अपने विषय में शोक मत करो। इस तरह से देवहूति रो रही थी, तो उसको आश्वासन दिया जा रहा है। वास्तव में भगवत भक्ति करने का अधिकार सबको है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें कोई भी अधिकार भेद नहीं है, सबका समान अधिकार। और स्त्री चाहे किसी की पत्नी बन चुकी हो या कन्या हो, या कोई भी स्त्री हो, कृष्ण से प्रेम करने का उसका स्वरूपगत अधिकार है। भगवान से प्रेम करने के बाद ही किसी के साथ संबंध किया जा सकता है, मुख्य संबंध भगवान का है। जैसे धरती पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं,
तो उनका मुख्य आधार है धरती, भूमि। वाहन का साइज अलग हो सकता है, जैसे ट्रक और रिक्शा में अंतर है, और जीप है, कार है, बैलगाड़ी है, कुछ भी है, उनका साइज, उनका आकार या भार ढोने की क्षमता में भी बहुत अंतर है, स्पीड में अंतर है। और वे तेल खाते हैं तो तेल खाने में भी उनका अंतर होता है, लेकिन सबका एक कॉमन आधार है कि वो पृथ्वी पर ही चलेंगे, चाहे बस हो, ट्रक हो, जीप हो, कार हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उनका आधार है पृथ्वी, पृथ्वी को छोड़ करके नहीं चल सकते। इसी तरह से कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री है, पुरुष है, कोई दुकान कर रहा है, सौदा बेच रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, या कोई कुछ भी करे, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, जो कुछ भी है, ये सब भेद रहेगा। लेकिन जैसे विविध प्रकार के वाहनों का, जो धरती पर चलने वाले हैं, आकार भेद, क्षमता भेद, सब कुछ भेद है, लेकिन उनका कॉमन आश्रय है धरती, भूमि। इसी तरह से और सारी विविधता होते हुए भी कॉमन आधार होना चाहिए विष्णु, कृष्ण का आश्रय होना चाहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं गृहस्थ सन्यासी हो जाए और सन्यासी गृहस्थ हो जाए, ब्रह्मचारी अपने धर्म को छोड़ दे और करे, कुछ नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के शरण में हो जाना है। जैसे वाहनों के लिए धरती का आश्रय जरूरी है, उस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए कृष्ण का आश्रय जरूरी है। और कृष्ण के आश्रय का इस युग में ये कहीं अर्थ है कि कृष्ण का नाम जपना चाहिए, यही आश्रय है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है वह सब तरह से ठीक है, और उसे कलयुग प्रभावित नहीं कर सकता है, और दोषों से वो प्रभावित नहीं हो सकता है, भगवान का नाम उसकी रक्षा कर लेगा। तो कृष्ण का आश्रय लेने का यह अर्थ है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है, जैसे तैसे, जहां भी, घर में, बाहर, स्कूल, कॉलेज या बिजनेस फील्ड, ऑफिस आदि, जहां भी भगवान का नाम ले, तो भगवान की उस पर कृपा होती है, भगवान उसको अपना मानते हैं, और उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता, किसी प्रकार का अभाव नहीं आ सकता है, वो सुखी रहेगा, और परलोक में तो भगवान का धाम रखा हुआ है। तो इस तरह भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे देवहूति रो रो करके अपने पति से विनय कर रही है, हमको कथा सुनाइए, हमको ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता पुत्र दीजिए, जिसे मैं भगवान कृष्ण के बारे में सुन सकूं। तो जीवन में यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के विषय में सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, तो व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा। तो देवहूति ने इस तरह से जब अपने पति से प्रार्थना किया, तो कर्दम जी उसे आश्वासन दे रहे हैं और भगवान गर्भ में आएंगे देवहूति के।